हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखिए, आपके सामने जो है ये है एक द्रव्यमान और ये है एक आवेश, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि क्या एक द्रव्यमान वाला पिंड एक आवेश वाले पिंड के बीच में कुछ बल लगेगा क्या? तो जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो ये द्रव्यमान है वो जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये जो आवेश जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो है वैद्युत क्षेत्र। तो दोनों अलग अलग क्षेत्रों को उत्पन्न कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बल नहीं लगाएंगे। बल तभी लगेगा, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये एक आवेश है और ये एक आवेश है। अब दोनों ने एक ही क्षेत्र को उत्पन्न किया, वो है वैद्युत क्षेत्र। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो मैं आपसे बताना ये चाहता हूं कि बल दो वस्तुओं में तभी लगेगा जब दोनों के द्वारा जो उत्पन्न क्षेत्र है, उत्पन्न क्षेत्र क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए, समान होने चाहिए। दोनों या तो वैद्युत क्षेत्र हो या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एक आवेश है, ठीक है। अब ये आवेश है और इस आवेश का क्या है? ये आवेश जो है वो वेग के अंदर है, ठीक है। इसके इस आवेश के पास वेग है यानी कि गति है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हो ये रहा है कि इस आवेश को हम लोगों ने कहाँ रख दिया है? चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है। माना कि वो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है, तो इस आवेश को हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया है। तो हमें बात ये आपको समझना पड़ेगा कि जो ये आवेश है वो आवेश कहाँ पर है? गति में है। तो ये आवेश गति में है तो ये आवेश भी क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। कोई भी आवेश यदि गति में होते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। और ये भी क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने तो दिया हुआ है। तो आवेश और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रहे हैं। आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करा और बाहर से एक चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने दे दिया है। तो क्या ये दोनों मिलकर बल एक दूसरे पर लगाएंगे क्या? तो जवाब है हाँ। तो जब भी हम किसी आवेश को जो गति में है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है, उस बल को हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए उसी बल के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे, हमें पता है, हमें पता है कि क्यू गति कर रहा है, गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। समझ में आ गई ये बात आपको? कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र को भी ये क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों के बीच में आप देख सकते हैं क्यू आवेश है, क्यू आवेश है। इसका वेग आप बताइए कितना है? इसका वेग वेग भी है। तो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया कि इसका वेग जो है वो भी के बराबर है, ठीक है। इसे इसे बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, क्षेत्र में रखा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रखा गया है।
समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इस पर बल जो है वो F लग रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है, इस पर बल F लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि आवेश के पास, आवेश के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है और बाहर से एक चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों के वजह से इस पर बल लग रहा है, वो कितना है, वो एफ एफ बल लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एफ जो बल लगेगा, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, तो यहाँ पर एफ बल लग रहा है वो किसके समानुपाती होगा, जितना ज्यादा आप आवेश लेंगे उतना ही ज्यादा जो है आपका बल लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आवेश यदि ज्यादा होगा तो बल भी ज्यादा होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बल बल आवेश के समानुपाती है, ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, आवेश के क्या है, समानुपाती है, यानी कि यदि आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा हम लोगों को समझना है वो ये समझना है कि जैसे जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती है, तो बल जो होगा वो किसके समानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र, जो बाहर से आप चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश को दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है, बल किसके समानुपाती है, बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है, इसको भी हम लिख सकते हैं समानुपाती है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया चुंबकीय क्षेत्र के ये क्या है, समानुपाती है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा जो है, देखिए यहाँ पर जो आपका वेग है, तो वेग ने जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बनाया वो थीटा बनाया, तो वेग का दो घटक होगा, एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के ओर, तो कितना हो जाएगा ये वी कॉस थीटा, और दूसरा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो वो कितना हो जाएगा हमारा वी साइन थीटा। तो यहाँ पर इसके दो घटक हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, तो जो आपका बल है वो क्या होगा, किस घटक के समानुपाती होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में जो वेग है उसके क्या होगा, समानुपाती होगा वी साइन थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एक में लिख देंगे, तो एक में लिख देंगे हम लोग तीनों को, तो क्या हो जाएगा, एफ यहाँ पर लिख दिया क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा के क्यू भी बी साइन थीटा, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, यदि हम लोग K का मान यदि हम लोग क्या रख देंगे, एक रख देंगे, यहाँ पर यदि K का मान यदि कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि K का मान एक के बराबर है, तो जो हमारा F होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू भी बी साइन थीटा, कोई दिक्कत बात नहीं है, तो एफ बराबर क्यू भी साइन थीटा हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, एफ बराबर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू भी क्रॉस बी, इसको सदिश के रूप में यदि आप लिखेंगे तो ये जो होगा हमारा एफ हो जाएगा, इसका परिमाण जो है वो क्यू भी साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं, जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, हमारे पास एक 10 कूलम का आवेश है जो कि चित्र में दिया गया है, समझ में आ गया। अब हो ये रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है B, समझ में आ गया, और जो आवेश का गति है दोनों का दिशा जो है वो एक समान है, यानी कि दोनों के बीच में जो कोण बना हुआ है भी और बी के बीच में थीटा का मान जो बना हुआ है वो 0 डिग्री के बराबर बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग बल के बारे में बात करते हैं, तो बल कितना होगा, वो होगा क्यू भी बी साइन
साइन थीटा, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो थीटा का मान कितना दिया हुआ, 0 डिग्री के बराबर दिया गया, ठीक है। तो थीटा का मान 0 डिग्री, को साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 0 हो गया। ये कितना होगा, क्यू वी बी गुने 0, यानी कि 0 न्यूटन के बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि आपसे एक प्रश्न दे दिया जाए कि मान लेते हैं कि ये 10 कूलम का आवेश है, ये आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, समझ में आ गया। चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने कहाँ रख दिया, पीछे रख दिया, ठीक। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर जो चुंबकीय बल लगेगा इस आवेश जो कि 10 कूलम के बराबर है, उस पर कितना बनेगा, तो सबसे पहले आप देखिए थीटा का मान, कोण का मान कितना है। तो कोण का मान यदि आप देखेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो यदि हम लोग बल के बारे में बात करेंगे, एक बराबर क्यू भी बी साइन, क्या लेंगे हम लोग, 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, वो तो शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर भी बल जो है वो 0 न्यूटन के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि आवेश है, आवेश में वेग भी है, लेकिन थीटा का मान यदि 0 डिग्री के बराबर हो, थीटा का मान यदि आपका 180 डिग्री के बराबर हो, तो दोनों स्थितियों में आवेश है, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र भी है, गति भी है, लेकिन जो हमारा चुंबकीय बल होगा जो आवेश पर लगेगा वो 0 के बराबर जो है वो लग जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना था। अच्छा, यदि हम आपसे पूछें कि ये जो बल जो है, इस बल का जो सर्वाधिक मान होगा वो किस कोण पर होगा, ठीक, तो बल का यदि सर्वाधिक मान किस कोण पर होगा, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हम लोग ले लेते हैं, तो थीटा का मान कितना ले लेंगे हम लोग, 90 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 90 सर्वाधिक हो जाएगा, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, क्यू भी बी, ठीक है, ये सर्वाधिक बल का मान हो, ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो ये बल मैक्सिमम बल लगेगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक आवेश ले लेंगे, ये 10 कूलम के बराबर है, इसका जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, जो चुंबकीय क्षेत्र है B वो 10 टेस्ला के बराबर है, जो कोण बना हुआ है वो 30 डिग्री के बराबर बना हुआ है, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि सबसे पहले एक बात आप समझिए, यहाँ पर जो बल होगा इस आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, यदि आपको मालूम करना होगा तो आप बताइए, तो बल कितना लगेगा। तो आपको पता है कि हम लोग बल का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, यही ना होता है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेश कितना है, आवेश जो है वो 10 कूलम के बराबर है, तो 10 लग दिया। भी वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 लिख दिया, ठीक। यहाँ पर B कितना है, चुंबकीय क्षेत्र जो बाहरी है वो 10 टेस्ला है, तो Q भी 10, V भी 10 और B भी 10, दोनों के बीच में जो कोण बना हुआ है वो कोण किसके बराबर बना हुआ है, 30 डिग्री। तो क्या लेंगे हम लोग, साइन 30 डिग्री, ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, तो ये हो जाएगा 1000 गुने 1/2 न्यूटन, ये कट जाएगा,
ये 500 न्यूटन के बराबर हमारा मान जो है वो आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझनी थी। ठीक है, फिर हम लोग और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर हमारे सामने जो नया प्रश्न आता है उसको हम लोग सबसे पहले पिक करते हैं। ठीक है, नया प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है। यदि सदिश के रूप में हमको यदि दे दिया जाए एक 10 कूलम का चार्ज है, उसका जो वेग है वो कुछ इस प्रकार से है, आई कैप जोड़ जे कैप जोड़ के कैप। ठीक, समझ में आ गया। उसका उसके ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र जो बाहर से है अप्लाई किया गया है वो है 2i कैप जोड़ 2j कैप जोड़ 2k कैप। ठीक, समझ में आ गया। तो यदि हमसे पूछा जाएगा कि उस आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वो बल कितना होगा, तो अब आप देख सकते हैं कि सदिश के रूप में आपको क्या दे दिया गया है, वेग दे दिया गया है। सदिश के रूप में आपको दे दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि आप बल निकालना चाहते हैं तो बल बराबर कितना हो जाता है, हमें पता ही है, क्यू गुने भी क्रॉस भी। तो यहाँ पर आपको दोनों वेक्टरों का, दोनों सदिशों का क्रॉस गुणांक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि भी कितना है, भी क्रॉस भी, तो भी कितना है, 1i कैप 1j कैप 1k कैप। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आई जे और के। ठीक है, क्या लिखेंगे, वन वन वन। समझ में आ गया। बी कितना है, टू 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 टू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी हम लोग निकालना चाहते हैं। तो हम लोग इसको भी क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आई कैप। ठीक, हम लोग इसको दोनों को ढक लेते हैं। ठीक, तो 2 गुने 1, तो कितना, 2 गुने 1 दो घटाओ, 2 गुने 1 2 गुने 1 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 दो घटाओ, 2 गुने 1 दो। ठीक, समझ में आ गया। माइनस जे कैप लिखेंगे, तो माइनस जे कैप लिखेंगे, तो यह ढक लिए, तो 2 गुने 2 2 गुने 1 घटाओ, 2 गुने 1 यहाँ पर, 2 गुने 1 2 गुने 1, ये चार हमारे सामने जो अंक जो है बच रहे हैं। जे कैप को हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से ढक लिया, तो 2 गुने 1 घटाओ, घटाओ का चिन्ह, फिर क्या बच गया, 2 गुने 1 हो गया, घटाओ 2 गुने 1 यानी कि 2 ही होगा। समझ में आ गया। फिर हम लोग प्लस के क्या, पहले हम लोग क्या करते हैं, आई कैप, फिर माइनस जे कैप, फिर प्लस के कैप। तो प्लस के कैप को भी हम लोगों ने क्या किया, इस प्रकार से ढक दिया, हमारे पास 4 डिजिट, तो 2 गुने 1 तो 2 घटाओ, फिर 2 गुने 1। ठीक है, 2 गुने 1 घटाओ, 2 गुने 1, ठीक है, तो 2 घटाओ 2। ठीक, समझ में आ गई, ये बात आपके सामने है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0i कैप माइनस 0j कैप जोड़ 0k कैप। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भी क्रॉस बी जो है वो एक शून्य सदिश आया हुआ है। तो शून्य सदिश आया हुआ है, तो जो हमारा बल है वो कितना आ जाएगा, क्यू गुने, क्यू कितना दिया हुआ है, प्लस 10 कूलम। तो 10 यहाँ पर, 10 गुने भी क्रॉस बी में हम लोग यहाँ पर ये 0i कैप एक जीरो सदिश हमें है। ठीक है, ये सब मिलकर एक जीरो सदिश है, तो जीरो सदिश है, तो यहाँ पर क्यू गुने भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी के जगह पर हम लोगों ने क्या रख दिया, जीरो सदिश, क्यू के जगह पर 10, यही ना है, क्यू गुने भी क्रॉस बी। तो यहाँ पर वही चीजें हैं, तो यहाँ पर दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0 न्यूटन के बराबर हम लोग यहाँ पर बल को, ये जो आवेश जो होगा वो अनुभव करेगा। और क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों भी और बी क्या है, समांतर है, मतलब दोनों जो है वो पैरेलल है, दोनों के बीच में जो कोण यदि आप निकालिएगा तो वो 0 डिग्री के बराबर बनेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने देखा कि ये चुंबकीय बल कितना लगेगा। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे कि इसका दिशा क्या होगा। सबसे तो पहले मिटाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले चुंबकीय मतलब जो बल लगेगा, तो बल का दिशा कैसे हम लोग निकालेंगे। तो फ्लेमिंग ने ये जो स्थिति थी, जो परेशानी थी, उसको फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड, ठीक है, बाएं
हाथ के नियम से उन्होंने हमें समझाया है। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि अपने बाएं हाथ के, ये क्या है, ये है हमारा तर्जनी, ठीक है, ये तर्जनी है, ठीक है। तो तर्जनी को आप लोग, तर्जनी का दिशा पहले बाएं हाथ को, जो तीनों उंगलियां हैं, जो तर्जनी है या हमारा जो मध्यमा है, ठीक है, समझ में आ गया, और अंगूठा है, तर्जनी, मध्यमा, ठीक है, और अंगूठा, तीनों आपस में लंबवत होना चाहिए, समझ में आ गया। पहले बात उन्होंने ये बात बताई, ठीक है। अब जो ये हमारा तर्जनी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो तर्जनी जो है वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र का, हाथ कैसा होना चाहिए, बायां हाथ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, समझ में आएगा। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है। सबसे पहले हम लोग बताएंगे जो तर्जनी है, तो तर्जनी क्या बताएगी, तर्जनी बताएगी हमारा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बी की दिशा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर जो हमारा मध्यमा है, तो मध्यमा जो है, मध्यमा को आपको कहाँ रखना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि धनात्मक चार्ज के लिए, यदि चार्ज धनात्मक हो, ठीक है, तो मध्यमा को कहाँ रखना है, वेग की दिशा में, किसकी धर, धनात्मक चार्ज होगा उसका वेग होगा ना, तो वेग की दिशा में, ठीक है, दिशा में आपको रखना है। लेकिन यदि ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है, तो वेग के विपरीत दिशा में, ठीक, आपको कहाँ रखना है इसको, वेग के विपरीत दिशा में, वेग की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना है, ये दो बातें आपको क्लियर कट कंफर्म हो जाना चाहिए, समझ में आ गया। तो ये आप लोग समझ गए, तो सबसे पहले, और उसके बाद जो अंगूठा है, ठीक है, जो हमारा अंगूठा है वो क्या है, वो हमें दिखाएगा क्या, बल का दिशा, ठीक है, समझ में आ गया। ये अंगूठा जो है, अंगूठा, अंगूठा क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा हमारा बल का दिशा, कि बल जो है वो किस दिशा में लगा हुआ है। तो ये है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने एक आवेश है कुछ इस प्रकार से, ठीक, समझ में आ जी। इस आवेश का जो वेग है, ये धनात्मक आवेश है, इस आवेश का वेग जो है आगे की तरफ है, ठीक, समझ में आ गया। अब इस आवेश को आप ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ है, अंदर की तरफ है, ठीक है, बी क्या है, अंदर की तरफ है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ है, बी अंदर की तरफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो और फिर क्या है, अंगूठा जो है वो बल की दिशा, अंगूठा किस दिशा की ओर होनी चाहिए, बल की दिशा, तो बल की दिशा की ओर होनी चाहिए हमारा क्या, अंगूठा, ठीक है। चलिए हम लोग आइए, हम लोग देखते हैं कि इस पर बल जो है वो किधर लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अपना इन तीनों उंगलियों को हमने कुछ इस प्रकार से रख दिया, ठीक, समझ में, ये हमारा तर्जनी है, इसको हमको चुंबकीय क्षेत्र की ओर रखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर हमने रख दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है, अंदर की तरफ है। तो ये तर्जनी को हम लोगों ने क्या किया, ये तर्जनी जो है वो अंदर की तरफ, ठीक। अब ये क्या है, ये क्या है, मध्यमा, वेग की दिशा। तो देखिए ये धनात्मक आवेश है, ठीक है, तो हम लोग मध्यमा को कहाँ रखेंगे, वेग की दिशा में, तो मध्यमा हमारा वेग की दिशा में है, तर्जनी अंदर की तरफ है, इधर चुंबकीय क्षेत्र। तो बल, अंगूठा कहाँ लग जाएगा, अंगूठा बल की दिशा में, अंगूठा कैसे है, ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर बल किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ, इस आवेश पर बल लग जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना था, बिल्कुल भी ये इजी है, ठीक है। अब यदि हम लोग ये, यदि वही यहाँ पर धनात्मक आवेश के जगह पर यदि यही चुंबकीय क्षेत्र होता, मान लेते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होता, ये मान लेते माइनस क्यू होता, समझ में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र होता, यहाँ पर वेग इस दिशा के अलोंग होता, ठीक है, वेग इसी दिशा के अलोंग होता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होता है, तो अब बल किस दिशा में लगेगा, तो हमने क्या बताया है, सबसे पहले जो हमारा तर्जनी है वो कहाँ होना चाहिए, वो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा की ओर होना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, क्रॉस है, मतलब अंदर की तरफ है।
तो हमने क्या किया, तर्जनी को ऐसे रख दिया चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, ठीक, अंदर की दिशा की ओर। फिर क्या है, वेग तो आगे की तरफ है, लेकिन यहां पर देखेंगे आवेश कैसा है। तो आवेश देखेंगे तो ये आवेश जो है वो ऋणात्मक आवेश है। तो ऋणात्मक आवेश है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वेग के ऋणात्मक आवेश होगा तो वेग के विपरीत दिशा में आपको मध्यमा को रखना है। तो हम लोग ऐसे रख देते हैं, ठीक, समझ में आ, वेग के विपरीत दिशा में हम लोग क्या कर देते हैं, मध्यमा को रख देते हैं, ठीक, समझ में आ। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये चीजें आप ध्यान समझिएगा, जैसे हम लोग इसको, हाँ ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ये अंदर की तरफ हो गया, वेग के विपरीत दिशा में हम लोगों ने मध्यमा को रख दिया, ठीक, तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, इसको हम लोगों ने बड़ी आराम से चीजों को समझा है, देखा है। चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि अब बताइए चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है, अब की बार डॉट है बाहर की तरफ, यदि यहाँ पर आवेश है और इसका वेग आगे की तरफ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब बताइए कि जो बल होगा, ठीक है, वो किस दिशा में लगेगा, ये क्या है, धनात्मक आवेश है। तो सबसे पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या है, बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ हम लोगों ने लिख दिया, डॉट का मतलब बाहर है बी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर है, तो सबसे पहले हम लोगों ने बाहर की तरफ कर दिया, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हो गया। वेग, ये वेग है, मध्यमा वेग है, क्योंकि ये धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश है तो वेग की दिशा में हम लोगों ने क्या कर दिया, मध्यमा को कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये नीचे की तरफ, यानी कि बल कहाँ लग जाएगा, अंगूठा नीचे की ओर है, यानी कि बल नीचे की ओर लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा बल जो है वो नीचे की तरफ लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बस आज इतना ही।